भाई ये क्या बिस्किट हम खाली ऐसे खाएंगे? वो नहीं भाई, वो मैंने मंगाए यार, मैंने आपके लिए स्पेशली मंगाई है बोतल। ओ बशीर तो भाई क्या हो गया यार, बोतल मंगाई अभी तक लाए नहीं हो यार? यार ज्यादा एक गर्क हो जाता है यार, जहां भी जाते हो इतना टाइम लगा देते हो यार। पा दे यार ना हो अल्लाह बंदा, एक तो घंटा चैप्टर कर ला लेते ना यार, दो ढाई घंटे सारे भजन तू फ्लैट का टाइम थी बना ला, मल मेरे को भजना भी है यार। पता कहने देखो पाकिस्तान में ना यार, यार पन्नू भाई पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? यार भाई क्या कर? यार इतना टाइम हो गया है यहाँ दुबई में रहते हुए, और वैसे भी पता नहीं पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे खींच रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हवा की तरह उड़ के पाकिस्तान चला जाऊँ। पन्नू भाई आपके बगैर तो हम उदास हो जाएंगे भाई, अब ये तो गुजारा करना पड़ेगा। ज़ाहिर है आप भी आए हैं तो फिर आप भी पाकिस्तान जाएंगे, हम तो यहाँ सब सभी परदेसी हैं ना, सब ने ही जाना है। अब ये देखो ये बच्चा है, इस बेचारे की भेड़ बकरियाँ सारी बेच के ये वीज़ा लेके अब यहाँ पहुँचा है, रात सारी रात रोता रहता है, माँ याद आती है, कभी बहन याद आती है, हर वक्त परेशान ही परेशान। तो क्या ज़रूरत है तुम्हें बिला बजाय अपना कर्ज बिछाया सारा बेच के आ गए? क्या करूँ मैं, घर तो मजबूरियाँ नहीं वास्ते भेजते घर अपने ही चाहे कमा की, तो मैं कमा तो क्या करें, आप वीजा वीजे तो पैसा ले तो कहीं ला सकिया। ये रात दिन इसका यही हाल है, यानी आधे से ज़्यादा ये पागल हो चुका है यहाँ आके। हालांकि अब ऐसा फिर पाकिस्तान से आने का फ़ायदा क्या यार? सब बेटा सबर कर, सबर अब सब अब इतना खर्चा करके आए हो तो मेहनत करो यहाँ, कुछ अब कुछ तो इतना तो करो कि जो वीज़े के पैसे हैं वो तो कम से कम लेके जाओ साथ। दो साल हो गए मेरे को वीज़े से, वीज़े के पैसे भी नहीं बनाए क्या पाकिस्तान क्या बोल। इसलिए मैं कहता हूँ कि बंदा पाकिस्तान में सेटल रहे तो बेहतर है, परदेश में आए एक तो दूसरों की गुलामी कुछ हासिल भी नहीं होता, वहीं कोशिश करे वहीं सेटल हो जाए वहीं रह पे जाए। बेशक आप सही कह रहे हैं, मुझे भी दो साल हो गए हैं अभी तक वीज़े के पैसे अदा कर नहीं पाए। मेहनत मेरे ख्याल में मेहनत जहाँ भी की जाए तो बंदा पाकिस्तान में कमाए तो बाहर जाने की नौबत है ना, तो ऐसे ही हम लोग खाम खा जी बाहर जाएँ जी, दुबई जाएँ जी, अमेरिका जाएँ जी। मेरा ख्याल है कि अगर इंसान अगर मेहनत पाकिस्तान में ही करे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। अब ये बेचारा इतना खर्चा करके आया भी सही, अब यहाँ से वही वीज़े के पैसे वापस लेके जाएगा तो क्या फ़ायदा है, दो ढाई साल ज़ाये भी किया। तो भाई ये उनको दे यार, अपने मेहमान बैठे हैं और तू लाया बोतलें। अब अच्छा ये भैया वापस कब आओगे? वापस यार वादा नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अब वापस का क्या है, नसीब की बात है। अब टोटल दो ढाई घंटे हैं, उसके बाद हम कुछ कर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह फ़ोन पे रब्ता रहेगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे रब्ता रहेगा, मिलेंगे। बाकी यार ये तो आप लोगों को पता है कि मेरा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, माँ बाप थे वो तो बचपन में ही फौत हो गए, खाला है जिसने मुझे पाला है, और मेरा पाकिस्तान में वैसे कोई नहीं है, लेकिन वतन तो वतन है ना। तुम्हारा कौन सा शहर है, शायद मैं तुमसे मिलने आओगे? तो लियाकतपुर शहर है, बस्ती है जिंदुपीर, ये पूछ लेना और इंशाल्लाह ये खादम आपके यहाँ हाजिर होगा, मुझे बता देना जब भी आओ, ठीक है? अरशद मोटे तेरा भी जब आना हो ना तो भाई मुझे नहीं बोलना, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है? अच्छा यार वो टोटल दो घंटे रह गए फ्लैट में, तो चलोगे ना मुझे एयरपोर्ट तो छोड़ने चलोगे ना? चलोगे ना, चलते हैं। बशीर यार वो मेरा बैग वगैरह निकाल सारा सामान, तो गाड़ी बाहर खड़ी है निकाल के चलें फिर।